हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार फिर इजी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो हाँ दोस्तों, आप लोग के साथ फिर एक स्पोकन का वीडियो लेकर के आए हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है। आप लोग जितने वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल पर दिए हैं, उसके बाद मैंने फिर ये वीडियो तैयार किए, क्योंकि बच्चे का बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था कि सर मैंने इंग्लिश सीख रहे हैं। बहुत बच्चे पहले हिंदी में कमेंट करते थे, लेकिन अब इंग्लिश में कमेंट करना शुरू किए। सर मैंने देखिए इंग्लिश सीखे हैं, अब इंग्लिश में कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे भी हौसला बुलंद हुआ और मैंने भी आगे का क्लास बना डाला। तो दोस्तों, कहता है कि बादलों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, बादलों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि मैं हवाओं से नहीं अपने हौसलों से उड़ा करता हूं। तो दोस्तों, अभी का जो ये वीडियो बना है आप लोग के लिए बहुत ही गर्दा ट्रिक के साथ ये वीडियो बनाए हैं। जैसे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मैंने इंग्लिश से थक चुका था, हार चुका था, कहीं भी जाता था जॉब नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि सर ऑफलाइन तो नहीं सिखा पाया, लेकिन आपका ऑनलाइन क्लास मुझे निश्चित ही इंग्लिश सिखा देगा, क्योंकि आपका ये झकास ट्रिक मुझे दिल को छू डाला। तो दोस्तों, इससे भी झकास गर्दा सुपर हैवी ट्रिक लेकर के आए हैं। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास को कंप्लीट कीजिए। 30 क्लास में आपका इंग्लिश इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट, हर एक सेंटेंस को आप हिंदी का इंग्लिश नहीं कर लिए तो फिर आप कहिएगा कि नहीं, ये 30 क्लास पढ़ना बेकार था। हम आपसे वादा करता हूं कि 30 क्लास में जानवर भी अंग्रेजी बोलेगा। चलिए तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर लाजवाब ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट का सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस कहिए, आप जब किसी से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? कहिए। दो बार बोलते हैं कहिए कहिए, फिर क्या कहते हैं? क्या कहना है। कहिए या क्या कहना है, कहिए क्या कहना है। अब क्या करें, फिर साथ में करें, कहिए क्या कहना है। तो स्पीक व्हाट हैव यू टू से, What have you to say? Speak what have you to say? आप बोलिएगा कहिए क्या कहना है, Speak what have you to say? Next question है दोस्त, कुछ नहीं कहना है। आप गुस्से में है, मुंह लटकाए हुए, कहते मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे कुछ नहीं लेना है। तो आप क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, I have nothing to say। क्या कहते हैं? I have nothing to say। क्या कहते हैं दोस्तों? I have nothing to say। आप नाराज हैं, फिर कहता है, फिर वो आदमी बोलता है कहिए क्या कहना है। तो आप कहते हैं कहना तो बहुत कुछ है। अब थोड़ा खुश हुए हैं आप क्या कहते हैं? कहना तो बहुत कुछ है, कहना तो बहुत कुछ है, टू मच। क्या कहता है? टू मच। कहना तो बहुत कुछ है, टू मच। कहना तो बहुत कुछ, टू मच। उसके बाद कहता है यदि आपके पास समय हो तो, यदि आपके पास समय हो तो। अब आप क्या कहते हैं? कहना तो बहुत कुछ है, बस इसका अंग्रेजी आप बोलिएगा टू मच। देखिए कितना शानदार ट्रिक है, कहना तो बहुत कुछ है, कितना बड़ा हिंदी का सेंटेंस है, और इंग्लिश कितना छोटा है छोटो, टू मच। नेक्स्ट है यदि आपके पास समय हो तो, इफ यू हैव स्पेयर टाइम, इफ यू हैव स्पेयर टाइम। फिर कहते हैं भगवान जाने, फिर कहते हैं सभी आदमी कोई गलती भी काम करते हैं तो कहते भगवान जाने, काम कर लेते हैं, फिर कहते भगवान जाने। कहते हैं आप ये बात सुने हैं, आप क्या ये काम कर सकते हैं? तो भगवान जाने, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो भगवान जाने, तो क्या इसका इंग्लिश होता है? गॉड नोज। क्या होता है? गॉड नोज, भगवान जाने। फिर है कोई बात नहीं, क्या कहता है जब आप कहते हैं कोई बात नहीं, आपको कुछ कोई बोल दिया, कहते कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, कोई बात नहीं। तो आप उसको इंग्लिश में फिर क्या बोलिएगा? नो मैटर। क्या बोलिएगा? नो मैटर। फिर नेक्स्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कहते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई आदमी कुछ कह देता है तो आप क्या कहते हैं? आपके बारे में वो आदमी ऐसा बोल रहा था, तो आप क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा इट डज नॉट मैटर। क्या होगा? इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। नेक्स्ट है इससे काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। आपको कुछ दिया, आप 500 रुपया मांगे, आपको कोई आदमी 300 रुपया दे दिया और कहते क्या इससे काम चल जाएगा, तो आप क्या कहते हैं? वो आदमी इसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? दिस विल डू।
क्या बोलेगा? दिस विंडो। नेक्स्ट है काफी है, आप क्या बोले? काफी है। क्या बोले हैं? आप मांगे थे 300, वो दे दिया 500, तो आप क्या कहते हैं? काफी है। क्या कहते हैं? काफी है। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? इट इज सफिशियंट, इट इज सफिशियंट, काफी है, इससे काम नहीं चलेगा। जब मांगे 500, काम है 1000 का, दिया 200, क्या इससे काम चल जाएगा? कहता है इससे काम नहीं चलेगा। दिस विल हार्डली डू, दिस विल हार्डली डू, इससे काम नहीं चलेगा, दिस विल हार्डली डू। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका स्वागत है, आपके यहां मेहमान आए हैं, आप उनको देखें, आप उनको क्या कहते हैं? आपका स्वागत है। क्या कहते हैं? आपका स्वागत है। तो वैसे भी आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। याद रखिएगा दोस्त, आपके यहां अगर दुश्मन भी आ जाए तो उनको आप रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि जिसमें जान होता है वही झुकता है, वैसे बिना फल का पौधा भी टना रहता है। इसलिए कहता है कि आपके यहां कोई भी इंसान आए तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? यू आर वेलकम। नेक्स्ट है कोई बात नहीं। क्या है? कोई बात नहीं, नेवर माइंड। इसको दिमाग में मत लीजिएगा, आप किसी के पास गलती कर बैठते हैं तो आपको वो आदमी क्या कहता है? कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। खामोश, आप कहते खामोश, बच्चे गलती कर, चुप, खामोश। सेट अप, क्या बोलिएगा? सेट अप, खामोश, मन लगा करके पढ़ो। आप किसी को कहते हैं मन लगा करके पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मन लगा करके पढ़ो, कुर्सी पर बैठ करके पैसा कमाओ, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? स्टडी अटेंटिवली, क्या बोलिएगा? स्टडी अटेंटिवली। फिर कहता है बकवास मत करो। क्या कहता है? बकवास मत करो। आपके साथ आपका छोटा भाई मुंह लगा लिया, आप क्या कहते हैं? बकवास मत कर, पर नहीं मुझे चोट लगा हुआ, दर्द कर रहा है, तो आप उसको क्या कहते? बकवास मत करो, पढ़ाई करो, तुमको खेलते समय पेट में दर्द नहीं हो रहा है, चोट में लगा तो दर्द नहीं, अभी तुमको दर्द हो रहा है, आप उसको क्या? बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या बोलिएगा? डोंट टॉक नॉनसेंस। और बकवास मत करो दोस्त, एक और सेंस में होता है, आपसे जब कोई आदमी मुंह लगा ले तो उस सेंस में, यानी अभद्र टिप्पणी के सेंस में भी डोंट टॉक नॉनसेंस का प्रयोग होता है। फिर कहता है क्या बकते हो? कहता है क्या बकते हो, क्या बकते हो, क्या बकबक करते हो, क्या बोलते हो? तो क्या बोलेंगे? व्हाट नॉनसेंस। क्या बोलेंगे? व्हाट नॉनसेंस। आगे है उससे मत छेड़ो, उसे मत छेड़ो। अब छेड़ना, छेड़ना का मतलब होता है डोंट टीज नॉनसेंस, यानी उसे मत छेड़ो, डोंट टीज नॉनसेंस, उसे मत छेड़ो। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, डोंट प्रीटेंशन, डोंट प्रीटेंशन। बहस मत करो, आप किसी से बार बार बात करते हैं, बार बार बहस करते जाते हैं, जो काम है उस पर बात नहीं करते, बहस मत करो, तो वो क्या बोलेगा? डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। राम राम छी छी, अब कोई गलत काम करता है, आजकल देखते हैं कितना समय विपरीत चल रहा है ना, कहां ऑफलाइन में अपने आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन कहता है कि ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे, जो बाहर के बच्चे हैं वो हमसे कैसे पढ़ते हैं, समय ही नहीं था। तो एक शायरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहता है रोशनी सितारों से भी होती है चांद के छुप जाने के बाद, रोशनी सितारों से भी होती है चांद के छुप जाने के बाद, स्पोकन ऑनलाइन भी सीखा जाता है ऑफलाइन बंद होने के बाद। ठीक है, तो ऑफलाइन बंद हुआ दोस्त, इसीलिए आज आप ऑनलाइन में सीख रहे हैं। चलिए, तो कहता है बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। राम राम छी छी, आप बहुत घनिष्ठ वाला काम किए हैं, आप बहुत गंदा काम करके आए हैं, चोरी करके आए हैं, आपको जो करना चाहिए नहीं के बराबर वो काम करके आए, कभी जिंदगी में नहीं करना वो चाहिए, पाप करके आए हैं, तो आप राम राम छी छी, उसको इंग्लिश में क्या बोले? नेस्टी। क्या बोलेंगे? नेस्टी। उसके बाद है ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ओके। क्या बोलेंगे? ठीक है, ओके। ठीक है का अंग्रेजी क्या होता है? ओके, ऑल राइट। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो था, आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा।
लाइक शेयर कमेंट जो करेंगे वो मेरे करीब होंगे, भाई होगा, है ना, और जो बड़े होंगे मैं उनके छोटा भाई हूँ। और मुझे प्यार मोहब्बत देते रहिए, मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।